वेलकम टू स्पीड डाइनिंग डॉट कॉम। हमारी कहानी चल रही है और हर कहानी बहुत छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होती है। इन्वेस्टमेंट की कहानी हो, ट्रेडिंग की कहानी हो, किसी करियर की कहानी हो, वो इतनी छोटी शुरू होती है कि आपको लगता नहीं कि आगे जाके इतनी बड़ी हो जाएगी। एक नदी की तरह, आप किसी भी नदी का ओरिजिन देखेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी कि भाई ये क्या है, इस छोटे से कुंड में से कहीं कोई एक छोटी सी धार निकली और बाद में जाके उसका पार्ट देखो, आप किसी शहर में बनारस में गंगा देखो, भरूच में नर्मदा देखो, आप मान नहीं सकते कि शुरुआत इतनी छोटी हुई थी। तो इसी तरीके से चीज़ें डेवलप होती है, लेकिन उस छोटी सी स्टार्ट का महत्व लोग नहीं समझ पाते। तो यहाँ मैं ये किस्सा समझा रहा हूँ जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत काम का है। मेरे पिताजी मुझे कहानी सुनाते रहते थे उनके शुरुआती करियर की। जब मैं पूछता था कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा कब से हुई, कैसे शुरू हुआ, तो बताते थे कि भाई 1965 में जब मेरा जॉब शुरू हुआ तब मेरी तनख्वाह, मेरी सैलरी 105 105 रुपए थी। अब 105 रुपए तनख्वाह 1965 की बात है, और उस वक्त उनको अपने आप को मेंटेन करने के लिए वो पैसा बहुत ज़्यादा कम नहीं पड़ता था जैसा सुन के लग रहा है, फिर भी कम तो पड़ता था, क्योंकि वो अपना एक शहर में मिडिल क्लास लाइफ मेंटेन कर रहे थे। तो हस्बैंड वाइफ थे, उनकी फैमिली के भतीजे भांजे वगैरह थे, तो महीना ख़त्म होते होते फिर भी 20-25 रुपए उधार लेने पड़ जाते थे। मतलब अगर 105 रुपये तनख्वाह थी तो 130-135 तक खर्चा हो जाता था। और उस वक्त की जब मैं उनकी खर्च की डायरी उठा के देखता हूँ तो फेरी टेल्स जैसा मज़ा आता है। उसमें लिखा हुआ है कि 2 रुपए का घी, 50 पैसे की सब्जी और 10 रुपए मकान किराया, 5 रुपए की साड़ी, एकदम हंसी आती है देख देख के। पर ये सब कुछ ऐसे ही हुआ है। और ये मत कहिएगा, सभी लोग यही गलती कर देते हैं कि उस वक्त ज़माना बड़ा सस्ता था। ज़माना सस्ता कभी भी नहीं रहा और महंगा भी कभी नहीं रहा। एवरीथिंग इज रिलेटिव, जो भी हो रहा है वो रिलेटिव है। कि भाई 105 रुपए तनख्वाह थी तब पैसा इतना लगता था दूध खरीदने में, आज आपकी तनख्वाह अगर 50,000 या 1,00,000 है तो दूध का भाव कैसा है आप चेक कर लो, कोई खास फर्क आपको दिखेगा नहीं। ये सब कुछ रिलेटिवली मूव करता रहता है। तो आप अगर सोचो कि किसी वक्त में 1,000 रुपये का प्लॉट मिल रहा था तो मेरे को 10 प्लॉट ले लेने थे, तो 1,000 रुपये किसके पास थे, वो तब भी उतना ही मुश्किल काम था। हाँ, ये है कि अवेयरनेस होने की वजह से आप कुछ कदम उठा सकते थे और एक कहानी शुरू हो सकती थी। तो ये आंकड़े सुन सुन के आज सभी लोगों को हंसी आती है, लेकिन ये एक वक्त की हकीकत थी। अब ऐसे में क्या हुआ कि उनके कलेक्टर ने, उनके बॉस ने उनकी सैलरी में से 5 रुपया पर मंथ काट लिया और कहा कि अब ये डाक बचत योजना में जमा होगा। अब डाक खाने में जमा होने के लिए जब वो 5 रुपया भी कम हो गया, 105 के 100 हो गए, तो पापा तो हिल गए, बोले यार ये तो पहले ही कम पड़ रहा था, अभी 5 रुपये, बड़ा गुस्सा आया, पर किस पे जाहिर करोगे, बॉस तो बॉस है। तो ठीक है भाई, 3-4 महीनों में आदत पड़ गई कि मेरी सैलरी 100 रुपये है, ऐसा मानने लगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट को पहले से अपनी ज़िंदगी में जगह दे दो। ऐसा नहीं कि सब खर्च कर दिया उसके बाद जो बचेगा वो डालेंगे इन्वेस्टमेंट में, पहले इन्वेस्ट कर दो, जो बचेगा उसमें अपना खर्चा चला लेंगे। जो इंसान इस तरीके से सोचेगा धीरे धीरे वो मोल्ड हो जाता है। तो उनको वो भी मोल्ड हो गए, उनको आदत पड़ गई कि हाँ भाई ठीक है जो भी है। जैसे होता है ना, हम लोग बोलते हैं किसी घर में कोई बीमार पड़ जाए, कितना ही गरीब आदमी हो, उधार लेके खाना खाने वाले के यहाँ भी अगर 2,000 रुपये 5,000 रुपये रोज की दवा लाने की नौबत आ जाए और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ भैया अभी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो 15 दिन बाद वो इस बात पर रोना बंद कर देते हैं, वो उनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाती है चीज़। वही बात मैं आपको स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करने के लिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि भैया अगर मान लो कि 500 रुपये रोज का मेरा स्टॉप लॉस तय है, तो 500 रुपये जाने पर आप कोई रोना धोना नहीं मचा देंगे, कोई रिएक्शन हल्ला गुल्ला नहीं होगा, ठीक है गया, कल वापस आ जाएगा, हम चीज़ें ठीक तरीके से करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि 4-6 महीने में आदत पड़ गई। अब क्या हुआ, उनको इकट्ठा धीरे 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 समय गुजरता गया, समय तो ऐसे दबे पांव गुजर जाता, पता भी नहीं लगता। 24 महीने गुजर गए, फिर उनको पैसा मिला तो उनको एक साथ कहीं 200-250 रुपये मिले होंगे,
बड़े खुश हुए। उसके बाद जो उनको चस्का लगा तो अब वो खुद ही 5 से 10, एक आध ट्यूशन पढ़ाई 5 रुपए में, तो वो पैसा भी उधर ही डाल रहे हैं। ऐसे कोशिश कर करके धीरे धीरे उनका सिलसिला शुरू हुआ। मतलब एक बार पता लग जाना चाहिए इंसान को कि ये एक बीज अगर मैंने डाला तो इससे 10 बीज पैदा होते हैं, तो डालते वक्त तो बहानेबाजी खत्म हो जाएगी। और इस वजह से धीरे 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 उनको सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की आदत पड़ी और वही चीज हमारे भीतर उन्होंने डाली, हम भी वही देखते देखते बड़े हुए। तो मेरे फादर हालांकि क्लास 2 ऑफिसर रहे गवर्नमेंट सेक्टर में, पर उन्होंने कोई इधर उधर का पैसा नहीं कमाया। अपने ईमानदारी के पैसे के साथ ही उनकी फाइनेंशियल निश्चिंतता बनी रही। और निश्चिंतता इसलिए नहीं बनी कि पैसा ज्यादा था, निश्चिंतता हमेशा इस वजह से बनती है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर मैं एक मॉल में घुस जाऊं और मुझे क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे एक शाम के लिए 5 लाख भी कम पड़ सकता है ना। इसीलिए तो माइकल जैक्सन जैसा बड़ा स्टार भी उधारी के चक्कर में फंस सकता है। हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपया बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास पैसों की समस्या नहीं आई कभी, क्योंकि पैसे कितने हैं इससे पैसे की समस्या हल हो जाना ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। आपको लगता है पर ऐसा है नहीं, क्योंकि एक स्टार को अपने आप को मेंटेन करने के लिए शो ऑफ करना है, अपनी कमाई से ज्यादा दिखाना है, और फिर उसको कहीं किसी जंजाल में फंस जाना है, आगे उसकी सिक्योरिटी अच्छी होती नहीं है। कई बार फिल्म स्टार्स को एक नौकरी करने वाले से जलन हो जाती है कि यार इसको तो 10 साल बाद भी 1 तारीख को या 5 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, भले 15,000 मिलेगी तो सही। ये नहीं जानने की वजह से हम उस चकाचौंध के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जिंदगी हर जगह जीना सीखना पड़ती, किसी साधन की वजह से कोई जिंदगी गुजार लेगा खुशी खुशी ये संभव नहीं है। तो ज्यादा पैसा होने से वो टेंशन फ्री नहीं रहे, वो टेंशन फ्री रहे अपने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, अपनी क्लैरिटी से। और ये पूंजी हमको मिली, और जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे तो हमको ये कहा गया कि बेटा जितना पैसा चाहिए आपको, जरूरत हो तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब जितना का मतलब ऐसा भी नहीं था कि हम उनसे मांग लेते कि सर 1,000 नहीं 3,000 दे दो। हम भी समझते थे कि कितना हो सकता है फेयर, तो हमको 700 रुपया महीना मिलता था और उस वक्त कम नहीं होता था, उसमें कोई कमी नहीं थी, हमने कोई अभाव नहीं देखा। लेकिन हाँ, हमारे साथ जो दूसरे दोस्त 1,500 या 2,000 रुपये मंगवाते थे, उनका पैसा आधे महीने में खत्म हो जाता था और उनको हम 100-150 रुपये उधार देने की स्थिति में होते थे। क्यों? क्योंकि हमारे सामने ये कहा गया था कि भाई आप अपना रिकॉर्डर को एक्सपेंसेस और जितना भी जो भी किया, खाया पिया जो किया, बस लिख देना है इसमें, और आपको पता होना चाहिए कि आपने ये किया और हमको बता भी देना। तो इससे क्या हुआ, धीरे 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 हमको एक बात की आदत पड़ी कि चीजों को बार बार देख के एनालाइज करने की, कि भाई ये गलत दिशा में तो नहीं जा रहा पैसा, इसके बजाय ये कर लेते तो अच्छा होता, ये अभी रहने देते ये अगले महीने कर लेंगे। तो उस तरह की चीजें होते होते हम लोगों को जो नींव पड़ी, वो नींव यहाँ इस पोर्टफोलियो और इस ट्रेडिंग तक हमको लेके आ गई। आज हमने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया तो वहां कौन सी चीज काम में आई। बिजनेस के लिए सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए कि कम से कम में आप अपने आप को सर्वाइव कैसे कर सकते हो, कम से कम पैसे में। अगर किसी व्यक्ति को कम से कम पैसे में सर्वाइव करना आता हो तो समझो उसके पास 4 लाख रुपए है, 3 लाख उसने अपने वर्किंग कैपिटल में डाल दिए और वो 4,000-5,000 रुपये महीने की खर्च से अपना काम चला रहा है धीरे 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 धीरे, तो उसको 6 महीने का 12 महीने का टाइम मिल जाता है, तब तक उसका पैसा आने लगता है। अगर किसी इंसान को कम खर्च में सर्वाइव करना नहीं आता है तो बिजनेस करने में उसको पसीना आ जाएगा, है ना। क्योंकि बिजनेस में शो ऑफ काम आता है, आपको दिखता होगा, लेकिन बहुत थोड़ा। ज्यादा जरूरत चाहिए आपके मजबूत टेके पाए की, वो ज्यादा जरूरी होता है, है ना। तो हम लोग अपना ये पूरा मैनेज करके चलते थे, हमारे दोस्त मजाक भी उड़ाते थे कि देखो बनिया साला, उस वक्त वो हंसे, अगर उस वक्त हम उनकी मजाक का बुरा मानते तो इस वक्त मजाक बन जाते, और फिर दोस्तों की हंसी का भी बुरा मान रहे हो तो फिर क्या मस्ती करेंगे। तो ये सब चीजें बाद में एक मजेदार स्टोरी बन जाती है, ये कोई घबराने की या बहुत अपने आप को छोटा बड़ा मानने की चीजें नहीं होती, सीखने की बातें होती है। फिर क्या होता है, आंसरेबल होना भी जरूरी था,
तो आंसरेबल होने में क्या, जब लिखना पड़ता था तो लिखना पड़ रहा तो हमको बताना पड़ेगा भाई ये किया। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं था कि आपने दो शाम में 200 रुपये 300 रुपये पार्टी में उड़ा दिए, क्योंकि लिखोगे ना तो लिखने के पहले आप सोचोगे एक काम करते हैं, करते ही नहीं इतना, क्योंकि लिखना पड़ेगा। तो आंसरेबल होने से बहुत बातें बनती है। दूसरों को बाद में दिखता है हमारा कमी, जब हम लिखने लगते हैं अपने आप को देखने लगते हैं तो वो फिजूल खर्च, वो चुतियापा हमको सबसे पहले खुद ही दिखने लगता है कि भाई ये क्या कर रहा है तू, ये क्यों, इसका तो दूसरा तरीका भी हो सकता था। इसलिए हम लोग अभी भी सेल्फ ऑडिट के फैन हैं। सेल्फ ऑडिट हर चीज का करो, आपके टाइम का ऑडिट करो कि भाई आप कह रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं, टाइम कम पड़ता है, देखो कहाँ जा रहा है टाइम, क्या 5 5 10 10 मिनट के टुकड़े हम बर्बाद तो नहीं कर रहे। फिर अपने एफर्ट्स का ऑडिट करो, है ना, आपको हम ट्रेड का ऑडिट करने को कहते हैं कि भाई लिखो सारा रिकॉर्ड रखो और देखो कि एनालाइज करो सही जगह जा रहा है, इसमें कुछ और फर्क डाल सकते हैं क्या। हम किसी और से उतना नहीं सीख सकते जितना हम खुद से सीख सकते हैं। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अपने आप को कदम कदम पे देखना शुरू करो और उसका तनाव मत लीजिएगा, क्योंकि अपने आप को कमजोर देखना, कम देखना, ये सब ये आपको बड़ी डरावनी बात लगती हो तो ये आपका भ्रम है। कमजोरी सभी में होती है, मान लेते हैं तो आधी तो वहीं दूर हो जाती है और आधी थोड़ी कोशिश करके अपने आप चली जाती है। तो शुरुआत सीखने की, आगे बढ़ने की कहाँ से होती है, ये मानने में कि भाई मैं अभी इससे आगे जा सकता हूँ, मैं कहीं पीछे खड़ा हूँ तो चीजों को और बेहतर करूँ। और कॉम्पिट अपने आप से करो, दूसरों से मत करो। छोटे से किया तो झूठा भ्रम मिल जाएगा कि भाई मैं उससे अच्छा हूँ, बड़े से किया तो बेकार में इंफीरियर हो जाओगे कि अरे यार वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते। मजा तो उस बात में आता है कि मैं कल जहां था वहां से एक कदम और आगे बढ़ा। और ये गति ही जिंदगी को मजा देती है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्पीड अर्निंग एंड स्पीड लर्निंग। एक स्पीड होनी चाहिए, टेम्पो एक लय होनी चाहिए, बहता हुआ झरना आपकी जिंदगी हो, मजा तो आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, बाय।